हार्ड हिटिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शंस 2024। भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है 2024 में 350 सीटें जीतने का दावा। जानते हैं कि क्या है पार्टी की रणनीति। फ्रेंड्स, गृह मंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कई दिग्गज दावा कर चुके हैं कि इस बार मोदी की अगुवाई में पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसको लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्यवार सर्वे करवाया जा रहा है, सांसदों की रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है, राज्यों के प्रभारियों का भी ऐलान हो चुका है। भाजपा नेता 2024 में 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दावा करने वालों में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी क्या क्या तैयारी कर रही है। फ्रेंड्स, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने ज़्यादातर राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। लोकसभा सीटों का सर्वे का काम भी चल रहा है, खास तौर पर उन सीटों पर जहां 2014 और 2019 चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी या फिर दूसरे नंबर पर रही थी। व्यूअर्स, भाजपा के सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए ही लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे का काम होगा। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सीटों पर योजना को लेकर मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें भी व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई गई थी। दोस्तों, हम बताते हैं भाजपा की रणनीति क्या है। इसे समझने के लिए हमने भाजपा के एक नेता से बात की तो उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इस बार 350 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और रिकॉर्ड कायम होगा। उन्होंने तीन बिंदुओं में पार्टी की रणनीति बताई। नंबर एक, हारी हुई सीटों पर फोकस। 2014 और 2019 में भाजपा को जिन जिन सीटों पर हार मिली थी उन सीटों की पार्टी ने समीक्षा की है। इसके मुताबिक इन सीटों पर विपक्ष की जीत की वजह जाति और धार्मिक फैक्टर के साथ विपक्ष का चेहरा भी रहा था। इस बार अभी से उन सीटों पर भाजपा फोकस कर रही है। दावा किया जा रहा है कि भाजपा 2019 में हारी हुई 100 सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम कर रही है। 2019 में जीती सीटों में से जितनी सीटें कम होंगी उससे ज़्यादा सीटें पार्टी हारी सीटों पर जीत दर्ज करके इस आंकड़े को हासिल करना चाहती है। आने वाले दिनों में भाजपा जाति और धार्मिक समीकरण भी साधेगी। इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्रियों का दौरा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। स्थानीय लोगों की हर समस्या का निस्तारण करने की कोशिश होगी और उन्हें सरकार के कामकाज की जानकारी दी जाएगी। नंबर दो, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम। देश भर में भाजपा ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया है। खासतौर पर उन बूथ पर ज़्यादा फोकस है जहाँ से पिछले दो लोकसभा चुनावों में कम वोट मिले थे। देखा जा रहा है कि कहाँ से वोट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है और कहाँ कम। जहाँ थोड़ी सी भी संभावना दिख रही है वहाँ भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को दोगुनी मेहनत के साथ काम करने को कहा जा रहा है। बूथ स्तर पर वोटर्स की सूची तैयार हो रही है, फिर वह भाजपा के वोटर हों या नहीं, विपक्ष की वोट देने वालों से भी अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कहा गया है। नंबर तीन, पिछड़े दलित और आदिवासी वोटर्स पर फोकस। बीते दिनों ही भाजपा पिछड़े मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि हर तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाया जाए और लाभान्वित लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। इसी तरह दलित और आदिवासी वोटर्स के बीच यह संदेश देने की भी रणनीति है कि भाजपा दलित और आदिवासी हित में काम करती है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने का भी जिक्र दलित और आदिवासी वोटर्स के बीच में किया जा रहा है। नंबर चार, गठबंधन के साथियों के छोड़ने से होने वाले नुकसान की भरपाई। फ्रेंड्स, बिहार से जेडीयू, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल और राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एनडीए से अलग होने से
होने वाले नुकसान को लेकर समीक्षा की जा रही है। जाति समीकरण देखे जा रहे हैं ताकि समय रहते इसकी भरपाई की जा सके। ऐसे में अलग अलग जातियों के नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 5, जाट और मुस्लिम वोटर्स पर भी फोकस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जाट वोटर्स की संख्या काफ़ी अधिक है। जाट वोटर्स को साधने के लिए जाट समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को बनाया गया है। भूपेंद्र भी जाट समुदाय से आते हैं। मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने पिछड़े मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।